दोस्तों आज मैं आया हूँ पालघर स्वामी अग्नानंद महाराज आश्रम। फ्रेंड्स, पालघर आश्रम से कम 8 किलोमीटर दूरी पर ये आश्रम स्थित है। अगर आपको जानना है अग्नानंद स्वामी महाराज कौन है, सिर्फ आप इतना जान लो जो अर्थात गीता है अग्नानंद स्वामी महाराज जी ने ही लिखा है, और वो एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। फ्रेंड्स, भगवान स्वामी अग्नानंद महाराज जी यहाँ पे जो है प्रवचन दे रहे हैं। पहले हम वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सप्लोर करेंगे पूरा आश्रम, और उसके बाद हम लोग चलेंगे समुंदर के किनारे बीच पे। हमारे प्यारे गुरुदेव यानी स्वामी अग्नानंद महाराज जी जब भी आते हैं इसी आश्रम में रहते हैं, जब भी मुंबई आएंगे। आप सभी का टाइम ना लेते हुए फटाफट उनका दर्शन कराता हूँ। वो बुढ़िया खड़ी है, अरे कपड़ा दे दे। पार्वती ने कहा, इतना सच्चा भगत आपका दिन भर लकड़ी काटता बांटता है, इसको कुछ दे दिया जाएगा। बोले, सचमुच मेरा भगत है तो लेगा भी नहीं। बोले, आप दीजिए। और रास्ते में सोने चांदी हीरे जवाहरात की घेरी लगा दिया। तब बोले, हमारा वैराग्य, हमारा नाम लांका, तुम्हारा वैराग्य बांका, लांका बांका नाम बोल गए। आगे गए तो भगवान शिव ने फिर दर्शन दिया। बोले, क्या चाहते हो? जब आप ही मिल ही गए तो हमको और कोई चाह नहीं। सगुण उपासन मोक्ष न ले, तिनका राम भक्ति निज दे। बोले, कुछ मांगो, आप मिल गए और है ही क्या दुनिया। धीरे धीरे प्रणाम करके निकलते रहे। गाइस, जैसा कि आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं स्वामी अग्नानंद महाराज जी का, इस टाइम जो है सभी लाइन में लग के धक्का मुक्की कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे ज़्यादा देर तक खड़े होने की परमिशन नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ से हट गया। फिर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आई हुई है, मुंबई से अलग अलग शहरों से दर्शन करने के लिए आए हैं, बहुत दूर दूर से, कल्याण, वसई, थाना, नाला सुपाड़ा, मुंबई, दादर, अंधेरी, कुर्ला, यहाँ दूर दूर से जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। रुके ना, माता रुके ना। अगर आप सभी यहाँ पे आएंगे तो आप सबको भी एक पॉजिटिव सा एनर्जी यहाँ पे महसूस होगा। फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो यार मेरी मेहनत का फल भी दे दो आप सब लोग, या सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो यार, ताकि जो है मैं मोटिवेट होके और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप सबके सामने लाता रहूं। देखो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे बाजू में खेती भी होती है, जो भी आश्रम के लिए चाहिए यहीं से प्रोड्यूस कर लिया जाता है, यहीं छोटा सा खेती भी होती है। अब हम गेट के बाहर निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे और क्या क्या है। यार मुझे भी पता नहीं है यहाँ, मुझे भी कहाँ जाना है कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, इसीलिए जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहीं मैं भी जा रहा हूँ। तो यहाँ जहाँ क्राउड जा रही है आगे आगे, वो पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, हर जगह जहाँ देखोगे आप ओम 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 का ही
निशान बना हुआ है। भगवान बताते हैं, स्वामी अनंत महाराज जी बताते हैं, ओम का मतलब होता है अनंत। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं ज़्यादा अभी सुना भी नहीं था उनकी बातें। यहाँ पे आप सभी आके यहाँ पे भभूति आप ले सकते हो, यहाँ पे आप जो भी आपका मनोकामना है यहाँ पे आप मांग सकते हो, पूरा होगा। फ्रेंड्स, ये सुबह का नाश्ता हो रहा है यहाँ पे, अब थोड़ा सा बैठ के मैं अभी खा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं समुद्र के किनारे सैर करने। देखो बहुत सारी भीड़ पड़ी हुई है, यहीं कहीं बैठ के मैं अभी खा लेता हूँ। आश्रम से निकलते ही सामने ही समुंदर मिलेगा आपको, देख सकते हो। फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है इसीलिए यहाँ पे पानी नहीं आया, नहीं तो पूरा यहाँ पे पूरा पानी भर जाता था। देख सकते हो गेट है पीछे और नीचे जो है समुंदर है और इधर सीधा एक रोड गई हुई है। टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत अच्छा ये जगह है फ्रेंड्स, आप सब यहाँ पे आ सकते हो मज़े के लिए, मनोरंजन के लिए। चलो हम भी चलते हैं पानी के एकदम पास नज़दीक में, फिर देखते हैं क्या नज़ारा रहता है। यार तुमने अभी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको ऊपर लाता रहूँगा। यार पता है 4-5 दिन हुआ मेरे को बनाते हुए, यूट्यूब पे आए हुए, वैसे आया पहले से था लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ रेगुलर जो वीडियो डालने के लिए, तो यार थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हो जा रहा है बोलने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। अब वैसे आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है मतलब पब्लिक है, दूर दूर तक पब्लिक है लेकिन बहुत शांति, मुंबई से तो बहुत शांति इधर। ऐसे कि आप देख सकते हो उधर आश्रम है और यहाँ पे सी, लेकिन गाइस पानी जो है यहाँ तक आता है, पूरा रोड तक आता है पानी, आप देख सकते हैं पूरा रोड तक पानी आती है। अभी सुबह का टाइम है, करीब 11 बज रहे हैं, इसीलिए जो है पानी अभी यहाँ पे नहीं पहुँचा है, नहीं तो पूरा शाम तक पूरा पानी यहाँ पे आ जाता है। फ्रेंड्स देखो ये जो पानी के अंदर जो पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, ये देखो अब मुझे पता नहीं ये कौन सा पत्ता है पेड़ का, पर ये सब पानी के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं पत्थर में कैसा कैसा छेद हो गया है, ये जो छेद आप देख रहे हो मुझे लगता है इसके पानी को जैसे हुआ है, अब इसके अंदर कीड़े रहते हैं। दोस्तों ये पानी में डूबा रहता है, ये पत्थर पूरा पानी में डूबा रहता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं आगे पूरा पेड़ है, छोटे छोटे प्लांट हैं, ये सब पूरे पानी में रहते हैं। ये देखो अभी मैं बता नहीं सकता किस चीज़ का पेड़ है लेकिन ये सब पूरा पानी में रहता है जैसा कि आप देख सकते हो। इससे देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी में केकड़ा, अभी मुझे पता नहीं जहरीला भी हो सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर लोग केकड़ा दिखा है, पर ये मुझे पता नहीं इसमें पॉइजन भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे ऊपर थोड़ा टच करता हूँ आपके लिए। चलिए यार अब चलते हैं आश्रम की तरफ, यहाँ पे बहुत मज़ा हम लोग किए, लेकिन यार यहाँ पे एक अच्छा से एक अलग सा ही कुछ महसूस हो रहा है, ये कभी और महसूस नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे आओगे ना बहुत 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 अच्छा लगेगा आपको, ये थोड़ा मुंबई से दूर पड़ेगा आपको पालघर आपको आना पड़ेगा, पालघर आश्रम बोलोगे तो आप आ जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे शाम होते होते पूरा पानी भर जाएगा, यहाँ पे पूरा पानी पानी रहेगा शाम होते होते, और ये सब पूरा पानी में दब जाएगा। ये सब जो पत्ता देख रहे हो दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, थोड़ा आप गूगल कर लेना, अभी उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, 15-16% जो है ऑक्सीजन समुंदर देता है। अभी आप सोच रहे हैं कि समुंदर कैसे देता है ना,
फ्रेंड्स, समुंदर में जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी तरफ। ऐसे ऐसे प्लांट समुंदर के अंदर पाए जाते हैं, ये देखो। फिफ्टीन परसेंट या 16% जो है समुंदर ऑक्सीजन देता है, सोचो कितना बड़ा नंबर है ना। एक यहाँ पे एक अलग सा ही व्यू मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और एक अलग सा सुकून मिल रहा है। चलिए अब हम चलते हैं आश्रम की तरफ, क्योंकि ये पानी भी आने वाला इधर, उससे पहले हमें निकलना पड़ेगा। देख सकते हैं घोड़ा, चलिए अब चलते हैं हम आश्रम की तरफ। बहुत हो गया मज़ा, बहुत हो गया मस्ती, क्योंकि अब हमको भी लेट हो रहा है, निकलना पड़ेगा घर की तरफ। अब हो गया बहुत ज़्यादा लेट, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना यार। थोड़ा सपोर्ट करो भाई को आगे बढ़ने के लिए यार। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं ऐसा ऐसा वीडियो लेकर आ पाऊँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दबा के करो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।